गुरुबख्शगंज थाना परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था कि तभी अचानक देखते देखते कांस्टेबल विभोर विक्रम सिंह ने हेड कांस्टेबल दीवान पंकज तिवारी पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें पंकज तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके सिर पर गंभीर चोटें भी आईं। पंकज तिवारी पूरी तरीके से लहूलुहान हो गए। मौके की नज़ाकत को समझकर थाना अध्यक्ष गुरुबख्शगंज सुरेश कुमार सिंह ने अपने दीवान को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जथुआ टप्पा पहुँचे, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी तक मामला समझ में नहीं आया कि दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ है। आचरण नियमावली के विपरीत कार्यशैली रखने पर आरक्षी विभोर विक्रम सिंह नियुक्त थाना गुरुबख्शगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है व पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी को दे दी गई है। रायबरेली के गुरुबख्शगंज से इंडिया नाउ 24 के लिए संवाददाता राजेंद्र कुमार के साथ राज सक्सेना की खास रिपोर्ट। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, डॉक्टर अंकुर मिश्रा। कहाँ पे सर आप तैनात हैं इस समय? मैं सीएससी जतवा जाता हूँ। सर आज गुरुबख्शगंज थाने से अभी कोई मामला है क्या? पूरा मामला ये करीब 11:30 बजे एक पेशेंट मेरे पास आया जिनके सर पे दो चोटें लगी हुई थी। उनका नाम पंकज तिवारी था, उम्र 35 साल। उनके माथे से और सर से खून बह रहा था, जिसका यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट और ड्रेसिंग थी। रिफर की स्थिति तो नहीं थी? जी नहीं, रिफर की स्थिति नहीं थी। मेरे पूछने पे क्या उन्हें चक्कर आया या उल्टी आई, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। ब्लीडिंग हो रही थी।